अरे दोस्तों, अभी इस तस्वीर में आए एक भारत का महान नागरिक जो दुनिया के किसी भी महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं, उनको मैं दिखा रहा हूँ। और मैं जो आपके सामने अभी बात कर रहा हूँ, योगी वीरेंद्र योगी। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही महापुरुष हमारी ज़िंदगी में रोशनी डालते हैं और मैं इनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने भारत को महान राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। एक ऐसा देश जो प्राचीन भारत की सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ है, सनातन धर्म से जुड़ा है, जहाँ कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम्। ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार जैसा है। आत्म सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं हमारी मेरी आत्मा की तरह है। तो ऐसे महापुरुष कोई भी हो, महापुरुष होंगे, सत्य तो सत्य ही रहेगा। सभी लोग सूर्य को सूर्य बोलेंगे, चांद को चांद बोलेंगे और सत्य को सत्य ही बोलेंगे। लेकिन जब हम अज्ञानता के घनघोर अंधकार में भटक जाते हैं, लोभ लालच काम क्रोध मद मोह हमें पशु बना देता है, तो हम केवल स्वार्थ की बात करते हैं। स्वार्थ की अंधकार में भटकते हुए केवल दूसरों का पीड़न उत्पीड़न करते हैं और पृथ्वी पर फिर से हम कंस, रावण और जितने भी दुर्योधन दुष्ट हुए, जो मानवता के लिए सर्वनाश का कारण बने, हिटलर बने, वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए मेरा एक ही जिंदगी का लक्ष्य है कि पृथ्वी पर शांति हो। और शांति के लिए यह आवश्यक है कि फिर से यहाँ ज्ञानी महापुरुष जो सच को सच समझें, सब लोग एक साथ मिलके सहयोग के साथ पृथ्वी पर फिर से एक नए युग का प्रारंभ करें, जहाँ की केवल विकास हो, जहाँ की केवल सम्मान मान हो, प्रेम हो, करुणा हो, जहाँ हर व्यक्ति ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, विचारवान हो, अनुशासित जीवन जिए और पशु पक्षी जीव जंतुओं के साथ मनुष्य का भी संरक्षण करे। इसमें सबसे जो सर्वोत्तम एक व्यक्ति को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, वो है एक महान व्यक्ति जो इतने ज्ञानी हैं कि इनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। हमारे गुरु वो सारे लोग हैं, बुद्ध हैं, विवेकानंद हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद हैं और ये महापुरुष आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। इनकी भाषा जानिए, इतने पढ़े लिखे हैं कि संस्कृत, कुरान, वेद, पुराण, उपनिषद, बाइबल सबों को मास्टर किया है। और देखिए हमारे हिंदुस्तान के 135 करोड़ नागरिक के लिए ये क्या संदेश देते हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, हिंदू मुसलमान की बात करना, सिख की बात करना, क्रिश्चियन की बात करना, ये हमारी परंपरा के मुताबिक नहीं। हमारी परंपरा तो ये है, उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्री चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारत नाम भारतीय यत्र संतति। धर कोई जो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र, इस बीच में जो कोई है वो भारत की औलाद, ये है सनातन सिद्धांत। तो फिर क्यों मैं बता, प्यारे दोस्तों, ये रजत हम शर्मा का मुसलमानों शो को चल रहा छोड़ है, दें, मैं उसमें बता रहा हूं इनसे आपको, इंटरव्यू लिया ये जा है रहा है। सनातन सिद्धांत, ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारी सभ्यता। लेकिन पाकिस्तान के बनने से, पाकिस्तान की मांग और पाकिस्तान के बनने से विशेष परिस्थितियां पैदा हुई। एक सनातन धर्म होता है, एक युग धर्म होता है, एक देश धर्म होता है, एक काल धर्म होता है। काल धर्म यह है कि एक विशेष परिस्थिति पैदा हुई, पाकिस्तान बना। 1950 में पंडित नेहरू और लियाकत अली खां के बीच में समझौता हुआ प्यारे और दोस्तों, अब मैं समझौते थोड़ा में आगे क्या कहा बढ़ता हूं और गया, आपको और इनके हमारी कुछ अर्लीएस्ट। अब मैं आपको नहीं, मैं पहले इसे कंप्लीट कर दूं कि मुसलमान को क्यों छोड़ दिया। ये वादा महात्मा गांधी ने उनको किया है जिनका पर्सिक्यूशन हो रहा है, जो लोग अपने देश में नौकरियां ना होने के कारण गैर कानूनी तौर से भारत में आ रहे हैं, उनको वादा नहीं ईमान किया व्यक्ति गया। सीए का आप देखिए, विवरण मैंने कर रहे हैं, जब रजत केरला शर्मा में जी सवाल प्रोटेस्ट कर रहे शुरू हैं। हुए, मैंने सबसे कहा प्रोटेस्ट करिए, मैं मना नहीं करता, आप आके बात करिए। कोई नहीं आया सिवाय एक ग्रुप के जो 8 मौलवी थे। ये रजत मैंने शर्मा जब जी का उनके शो चल कागज रहा है, मैं देखा तो उनसे मैंने कहा आप तो अनुमति मदरसे में लेके इसको पढ़ाते हैं। प्रकाशित कर रहा उन्होंने कहा हूँ, जी, इस जब महान व्यक्ति कुरान का चित्र का पढ़ाते, चित्रण उन्होंने करने कहा के लिए। जी, मैंने कहा ये मैंने कुरान की आयत कोट की, उजीना लिल्लजीना युकातलून बिअन्नहुम जुलिम अल्लजीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैर हक्किन इल्ला अन यकूलू रब्बुना अल्लाह। मैंने कहा ये पढ़ाते हैं आप? बोले हाँ। मैंने कहा इसमें कुरान उन लोगों को जिनको उनके उनकी आस्था के कारण जिन पे जुल्म किया जाए,
कुरान उनको स्पेशल क्लास मानता है या नहीं मानता? उन्होंने कहा मानता है। मैं क्या अभी इसके बाद कोई चीज आर्गुमेंट की जरूरत रह गई? क्या आप उनको जो अपनी जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए उनकी बेटियों को किडनैप किया जाता है? प्रिय दोस्तों, तो आपने सुना हमारे आरिफ मोहम्मद खान साहब कितने महान व्यक्ति हैं। ये संस्कृत के अद्भुत ज्ञानी हैं। अंग्रेज भी इनकी तरह अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। ये कुरान में इतने पारंगत हैं कि सारे कुरान को इन्होंने याद किया हुआ है। प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैं हिंदुस्तान के जो हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग हैं उनसे विनती करता हूँ कि पहले अपने ज्ञान की सीमाओं को बढ़ाइए, और जब सभी ज्ञानी हो जाएंगे तो अब सभी एक ही सच बोलेंगे, वसुधैव कुटुंबकम आत्म सर्वभूतेषु। इसीलिए पढ़िए लिखिए, दिन रात मेहनत करिए, शरीर से सबल होइए, मस्तिष्क को नियंत्रण करिए, और अपने आप को इस गंदगी में नाली के कीड़ों के साथ मत उलझ जाइए। हम तो सबको सम्मान करते हैं, नाली के कीड़े और बहना कोई शान की बात है क्या? नाली का कीड़े का मतलब है अज्ञानी होना, दुष्ट होना, अपने आप पैर में कुल्हाड़ी मारना, अपने आप घर को बारूद के भीत पर डाल देना, आपस में नफरत करना, आपस में एक दूसरे को बर्बाद कर देने की चेष्टा करना, लड़ाई झगड़ा करना। इसीलिए संस्कृत में एक श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमताम वैष्णवचो मूर्खानाम निंद्रा कलहनवा। हमारी भारत माता 137 करोड़ हिंदुस्तानियों से उजागर है। हम सब लोग एक साथ मिलके सारे भेदभाव को भुला के अनेकता में एकता का पाठ पढ़ें और अपने देश को फिर से महान बनाएं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सहयोग, सबकी दिशा एक ही हो कि सभी खुशहाल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। यही मेरा विचार है भाई। और ऐसे ही विचार वाले थे अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अभी आरिफ मोहम्मद खान, और ऐसे अनेक महान हिंद मुसलमान भी हुए जो हिंदुओं से कभी कम नहीं थे, और हिंदुओं में ऐसे महान हुए जो किसी से कम नहीं थे। हम सबको एक ही सत्य बोलना चाहिए, वो सत्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सहयोग। आपका जय हो, आपका कल्याण हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।